तो अभी पहुंच चुके हैं हम तारा बाबा की कुटिया के अंदर। महाशिवरात्रि का पर्व हो, बाबा भोले का दिन हो और तारा बाबा की कुटिया में ना पहुंचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सजावट कर दी गई है बड़े शानदार तरीके से, आप देख पा रहे हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से। आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में तारा बाबा की कुटिया में महादेव के दिन बड़ा ही शानदार पर्व खुशी और हर्षोल्लास से बनाया जा रहा है। देख पा रहे हैं भोले बाबा खड़े हैं, सबको प्रणाम करते हुए, भोले बाबा जी को नमस्कार करते हुए, वंदन करते हुए हम आगे बढ़ते हुए। ये सारा बंदोबस्त अंदर जाने के लिए किया गया, रस्सियां वस्सियां लगा के अच्छे से, अनाउंसमेंट भी चल रही है कि बड़े शांति के साथ आप दर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो हमारे साथ आप भी करिए दर्शन महादेव के, महादेव। तो आपने भी दर्शन हमारे साथ किए बाबा भोले जी के, महादेव सबके घर खुशियां लाए, सबका जीवन हंसमय खुशमय रहे। और यहाँ पर प्रेस वार्ता भी चलती हुई, बहुत सारे लोग यहाँ घूमने आते हैं, दर्शन करने आते हैं। तो ये काफ़ी फेमस जगह है। महाशिवरात्रि के पर्व पर एक मनमोहक दृश्य, अद्भुत दृश्य के प्रति भक्तों का प्यार प्रेम। तो ये शानदार तारा बाबा की कुटिया एक भ्रमण का स्थल, बाबा भोलेनाथ के दर्शन एक जगह है, सारी चीज़ें आपको उपलब्ध मिलेंगी। तो बड़ा ही खास दृश्य, बड़ा ही अच्छा दृश्य और एक बार मन को शांति देने वाले पल बिता सकते हैं आप यहाँ आके। महादेव महादेव महादेव। लंगर का प्रोग्राम भी हर शिवरात्रि को यहाँ रखा जाता है और यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु दर्शन करने के बाद लंगर ग्रहण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो तारा बाबा जी की कुटिया के अंदर ये अच्छा एक बहुत ही शानदार चीज़ें चलाई गई हैं। गोपाल कांडा जी और गोविंद कांडा जी दोनों भाइयों के द्वारा यहाँ बड़ा ही शानदार तरीके से लंगर चलवाया जाता है हर साल। तो सभी के घर दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो बाबा जी भोलेनाथ की कृपा से सभी के घर खुशहाल आए। बाबा भोले को प्रणाम करते हुए, नमस्ते करते हुए, बम बम भोले सभी कमेंट बॉक्स में भी करिए बम बम भोले। मिलते हैं आपके साथ यूं ही महादेव के दर्शन के साथ ब्रेक के बाद।